एंड वेलकम बैक। और मैं नहाने नहीं जा रहा हूँ। आई टेल यू व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्पेसिफिक, बहुत ही यूनिक, अनकन्वेंशनल स्टाइल की फोरआर्म और ग्रिप स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग होती है। टग ऑफ वॉर में आई एम नॉट, कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, बट इंटर कॉलेज लेवल में थोड़ा बहुत वो टीम के साथ मैंने खेला है। एंड देखने में लगता नहीं है, लेकिन ये टग ऑफ वॉर जो होता है दैट इज़ ऑल्सो अ रियल गेम। उसमें भी ट्रेनिंग होती है, उसमें भी टेक्निक वगैरह लगती है, बट दैट इज़ ऑल वेरी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक स्टफ। वो ज़रूरी नहीं आपके लिए यूजफुल हो, आपको इंटरेस्ट हो, बट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, समथिंग वेरी यूजफुल दैट वी कैन टेक फ्रॉम टग ऑफ वॉर इज़ द वे यू यूज़ योर बॉडी वेट। दैट इज़ मोर ऑफ अ रेसलिंग काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट। लेकिन उसके अलावा उनकी जो ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, द एबिलिटी टू होल्ड ऑन टू समथिंग फॉर 2 मिनट्स, 3 मिनट्स, 4 मिनट्स, कभी कभी उससे भी ज़्यादा हो जाता है। सो इस तरीके की ट्रेनिंग जब हम कॉलेज में करते थे, वी यूज टू यूज़ दैट रोप जिससे टग ऑफ वॉर खेला जाता है। एंड ये वीडियो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो रोप ज़रूरी है आपको वो एक्सरसाइजेस करने के लिए। यू कैन यूज़ बेसिक ऐसा मोटा वाला टॉवल, यू कैन अटैच इट टू अ विंडो का खम्बा, मतलब जो भी होता है उसमें जो लोहे का होता है, अदरवाइज टू अ डोर और अ रेलिंग और वॉट एवर। एंड ये इतना लंबा नहीं होता, तो कोई नॉर्मल रस्सी बांध लो, रस्सी के साथ इसको बांध लो। सो यू कैन बेसिकली यूज दिस लाइक अ थिक रोप। दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, मैंने अभी इन्वेंट नहीं किया है, ये टग ऑफ वॉर में होता आ रहा है। और स्पेशली ये टॉवल के साथ जो पुलअप्स करते हैं, जो पेड़ के ऊपर बांध के सेम एक्सरसाइजेस करी जाती है, उसको धीरे से ऐसे पुल करते हैं, ऑल दिस इज़ यूज्ड इन मार्शल आर्ट्स एज वेल। जूडो हो गया, ट्रेडिशनल बीजेजे हो गया, आपका जिजुत्सु वगैरह, ऑल द आर्ट्स, ऑल द गेम्स विच रिक्वायर यू टू होल्ड ऑन टू समथिंग एंड टू बी एबल टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायर्स नॉट ओनली ग्रिप स्ट्रेंथ, उसके साथ पूरा का पूरा आपका फोरआर्म, उसके साथ पूरा का पूरा आप कैसे बॉडी यूज़ कर सकते हैं, ऑल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आई विल शेयर अ फ्यू ड्रिल्स दैट वी यूज टू प्रैक्टिस एंड मे बी अ फ्यू मोर फ्रॉम टग ऑफ वॉर बैकग्राउंड। उसके अलावा आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ दिस फॉर असिस्टेड पुलअप्स, यू कैन गेट क्रिएटिव विद इट, बट ये थोड़े से आइडियाज़ हैं फॉर फोरआर्म स्ट्रेंथ। ये आप 1 मिनट तक सिर्फ इफ़ यू जस्ट होल्ड ऑन टू दैट पोजीशन, दिस इज़ गोइंग टू बी इनफ ऑफ अ वर्कआउट। बट डोंट गेट मी रॉन्ग, आपका एक 1 पेयर ऑफ डम्बल्स इज़ प्रोबेबली मोर प्रैक्टिकल एंड मोर डूएबल। वो बहुत वर्सेटाइल होता है, उससे बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है रस्सी को लेके ऐसे ही करना है, बट दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। ये थोड़ी सी और फंक्शनल होती है, इसमें आपका ग्रिप स्ट्रेंथ भी बनता है, एक तरह की एंड्योरेंस भी बनती है। दिस इज़ अ लिटिल मोर फंक्शनल, दिस इज़ समथिंग यू कैन डू इट ओकेशनली। अगर आपके पास ये रिसोर्स है, रस्सी है, या फिर ऐसा सेटअप आपको खुद बनाना है, यू कैन डू इट। बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द ओनली वे टू ट्रेन योर फोरआर्म्स, दिस इज़ जस्ट अ डिफरेंट बट डेफिनेटली वेरी इफेक्टिव वर्कआउट। सो दिस इज़ द रोप वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बैटल रोप है, टग ऑफ वॉर की रोप नहीं है, बट दिस इज़ वॉट आई हैड। इसको मैंने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, ये बहुत गंदी सी हमारी दीवार, एंड वो ऊपर से, बिकॉज समटाइम्स जब मैं जवान था तो हम बचपन में क्लाइंबिंग भी करते थे, बट बेसिकली दिस इज़ वॉट वी आर डूइंग। यहाँ पे एक लेवल पे अटैच है, ये दीवार मुझे दिखाते हुए बहुत शर्म आ रही है, तो छोड़ दो। और थोड़ी देर में मुझे अभी पता चलने वाला है कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया बिकॉज द फ्लोर वी आर डीलिंग विद एंड द शूज़ आई एम वेयरिंग डोंट गो वेरी वेल टुगेदर, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो विच इज़ वाई आई विल हैव टू सेक्रीफाइस अ लिटिल बिट ऑन द फॉर्म। जो टग ऑफ वॉर का प्रॉपर टेक्निक होता है, उसमें जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अपनी बॉडी की थोड़ा सा धीरे धीरे हील पे जा रहा हूँ, और आई एम ट्राइंग टू मेक माई बॉडी स्ट्रेट, एकदम 45 डिग्री स्ट्रेट होना पड़ता है। बट क्योंकि ये फ्लोर थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ी देर में मैं अंदर चला जाऊँगा। आई विल शो द अदर टेक्निक ऑल्सो। द टेक्निक इज़ नॉट नेसेसरली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हम ग्रिप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ठीक है अगर आपने प्रॉपर वैसी वाली टेक्निक नहीं लगाई है और आपका 70-80% बॉडी वेट रोप पे ना भी हो तो चलेगा। सो एज यू कैन सी, ये एडजस्टमेंट की वजह से मेरा पोस्चर थोड़ा सा गलत आ रहा है, क्योंकि आई हैड टू कीप माई फुट फ्लैट ऑन द फ्लोर। अभी आप इसको रोड के ऊपर या फिर अपने घर में कर रहे हैं तो यू कैन डू इट विदाउट द शूज़, अदरवाइज कंक्रीट के फ्लोर पे इट विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, या फिर किसी मैट के ऊपर भी अगर आप करें तो इट विल बी ओके एज वी कैन सी। सो बेसिकली आप पीछे की तरफ जा रहे हैं एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड गोइंग बैक एंड फोर्थ। नाउ हियर इज द एक्सरसाइज। ये थोड़ा सिली लगता है, कोई देखेगा तो सोचेगा ये क्या हो रहा है, बट जस्ट 60 सेकेंड्स ऑफ स्टैंडिंग इन दिस पोजिशन और मे बी इवन गोइंग बैक एंड फोर्थ इज इनफ फोर आर्म स्ट्रेंथ। पोस्चर वेस्चर की बातें हो गई हैं। नाउ विल कम टू दी एक्चुअल एक्सरसाइजेस। और हमारी गंदी गंदी दीवारों को आप इग्नोर करते हुए देखिए, ये थोड़ा सा बेटर पोस्चर है ये, क्योंकि मेरे को पैर में बेटर ग्रिप मिल रही है यहाँ पे। ऑफ कोर्स ये परफेक्ट नहीं है, दिस इज़ आल्सो नॉट परफेक्ट, मैंने भी बहुत टाइम के बाद प्रैक्टिस किया है। बेसिकली यू विल होल्ड ऑन टू डियर लाइफ इन दिस पोस्चर ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज या फिर उससे भी ज़्यादा आप नीचे जा सकते हैं। एंड दिस इज़ द फर्स्ट एक्सरसाइज, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। दोनों हाथ रस्सी के ऊपर, लेफ्ट आगे आ सकता है या फिर राइट भी आगे आ सकता है, सिंपली लाइक दिस, एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये थोड़े से स्नैपिंग वाली टेक्निक्स हैं जो मैंने सिंपली डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्टैटिक होल्ड होता है, पहले हम कॉलेज में करते थे, वी यूज टू एज अ टीम ऐसे खंबे के ऊपर बांध के वी यूज टू डू समटाइम्स 8 मिनट्स, 9 मिनट्स, 10 मिनट्स तक भी किया है। बट द थिंग इज़, आज मैंने जैसे किया तो एक ही मिनट में मैं खर्च होने वाला था। सो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी पेरिशेबल थिंग, जस्ट लाइक रनिंग का स्टेमिना होता है, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो नहीं हो पाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। नाउ एनीवे मूविंग ऑन, उसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए, थोड़ा सा और वेराइटी लाने के लिए, दिस इज एक्सरसाइज नंबर 2। यू कैन ऐड दिस वाइल स्टैंडिंग इन द पोजिशन, यू कैन डू दिस। ये नंबर 3 है, थोड़ा सा और इनोवेशन है। पीछे आप पोस्चर से आगे उठते हैं एंड यू विल पास द रोप टू वन हैंड एंड द अदर हैंड यू विल रीच फॉरवर्ड एंड यू विल बेसिकली कम टू अ स्टैंडिंग पोजीशन। दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। उसी के साथ कॉम्बिनेशन, ये ऐसी कोई डिफरेंट एक्सरसाइजेस नहीं है, ये वही चीज़ है। आपको रस्सी या तौलिया या फिर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, उससे आपने टग ऑफ वॉर के पोजीशन को यूज़ करना है एंड यू विल बेसिकली स्टे इन दैट पोजीशन। While you are in that position, you can do all these different exercises. These are just suggestions. Otherwise, 60 seconds of that posture itself is enough. Now you can see, this is a different approach. Like in the gym, you will be pulling something. जिस चीज़ को आप use कर रहे हो, उसको खींच रहे हो. But here, the thing you are holding is static. You are using your own body weight. आपका body हिल रहा है. So at least occasionally this is something that can be definitely tried. मेरे को बताइए कमेंट में कैसा लगा।